एक बार फिर आया है मौका बाजारों को बेहतर जानने का, जैसा आपने पहले भी अनुभव किया है 2016। दो हजार इक्कीस, क्योंकि एक बार फिर आ गया है कोटक इक्विटी कलोक्वियम, एक ऐसा मंच जहां भारत के सबसे बड़े बाजारों के बारे में ज्ञान मिलता है। कोटक इक्विटी कलोक्वियम भारत का पांचवा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड, तो हो जाइए शामिल उद्योग जगत के सबसे बड़े नामों के साथ, बढ़ाइए अपनी जानकारी इनके बाजार के महाज्ञान के साथ, जानिए क्या होंगे आने वाले कल के प्रचलन और बाजारों के हाल। मौका है इन जानकारों के अनुभव का लाभ उठाकर अपने निवेशकों के साथ बांटने का। गहराई से जानिए उन क्षेत्रों के बारे में जो आपके आने वाले कल को बनाएंगे, जिससे आपको मिल सकती है मदद आगे बढ़ने में। पाइए एक नया नजरिया और नए साधन जो आपकी व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो आइए शामिल हो जाइए कोटक इक्विटी कलोक्वियम। नमस्कार, आप सभी का इक्विटी कलोक्वियम 2021 में स्वागत है। आज हम आपके साथ अंशुल सैगल, जो हमारे हेड ऑफ पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, और आशीष जगदान ही सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ पेश कर रहे हैं। आज का टॉपिक है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स में, या जब आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर किसी को एडवाइस करते हो कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन बहुत अलग है। किसी के लिए लॉन्ग टर्म 2-3 साल होता है, किसी के लिए 5 साल, किसी के लिए 10 साल, और किसी के लिए लॉन्ग टर्म 6 महीने भी हो सकता है। जब भी हमने एक्सपीरियंस किया है कि जब कोई इन्वेस्ट करते हैं तो बेशक कहते हैं लॉन्ग टर्म, बट अगर मार्केट पे कभी उतार चढ़ाव आया तो वो नर्वस होने लगते हैं ऐसे इन्वेस्टर, और ज़्यादातर करके हैंड होल्डिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस समय इन्वेस्टर का। कभी कभी हमारी बात मानते भी हैं इन्वेस्टर्स, और कभी कभी खुद डिसीशन ले लेते। अभी पिछले साल जब कोविड-19 का दौर रहा था, काफ़ी इन्वेस्टर्स ने पैनिक करके उस समय अपना लॉस बुक कर दिया, और वो लॉस परमानेंट हो। और आज हम जब बैठे हैं और देखे कि पिछले 1.5 साल में मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जो इन्वेस्टर्स ने इस बात को समझे और अपना पोर्टफोलियो बरकरार रखा, उनके रिटर्न्स आज बहुत ही ज़्यादा इनकरेजिंग है। सब ये सब चीज़ों को समझाने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल है। ये इक्विटी कलोकियम का दौर बहुत इंटरेस्टिंग रहा है आप लोगों के साथ। पिछले 6 महीने में हमने अलग अलग सेक्टर्स पे आपके साथ प्रेजेंटेशंस किए हैं। आपके फीडबैक, आपके क्वेश्चंस, आपके व्यूज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हमारी यही कोशिश रही है कि हम इस प्रोग्राम को और बेहतर कैसे बनाएं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का स्वागत एक और बार इक्विटी कलोकियम में, और ये पोडियम मैं अंशुल सैगल को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड वेलकम वंस अगेन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारी प्रेजेंटेशन देखने आए, बहुत बहुत थैंक यू आपको। इस प्रेजेंटेशन में हम बिहेवियर ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, और 7 कोट जो कि इन्वेस्टिंग ग्रेड्स ने दिए हैं पिछले कई सालों में, उनको कोरिलेट करेंगे इस बिहेवियर ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग से। हमारा एम इस प्रेजेंटेशन का ये है कि इसमें जनरली हम काफ़ी कुछ फाइनेंशियल्स पे, बिजनेसेस पे देखते हैं जो कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टिंग के बारे में बताता है, लेकिन कई बारी हम बिहेवियरल एस्पेक्ट्स इन्वेस्टिंग के भूल जाते हैं, जो कि उतने ही या शायद उससे ज़्यादा क्रिटिकल है इन्वेस्टिंग सक्सेस के लिए। उन कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू थोड़ा डिस्कस करेंगे। स्टॉक्स आर बिजनेसेस, नॉट टिकर्स। बेंजामिन ग्राहम, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, अपनी किताब में कहते हैं, अ स्टॉक इज नॉट जस्ट अ टिकर सिंबल और एन इलेक्ट्रॉनिक ब्लिप,
It is an ownership interest in an actual business with an underlying value that does not depend on its share price. उनका कहने का मतलब ये है कि शेयर प्राइस एक अलग चीज है और कंपनी का बिजनेस एक अलग चीज है. कई बारी शेयर प्राइस कंपनी के बिजनेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है. अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है शेयर प्राइस नीचे जाता है, और अगर बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है शेयर प्राइस ऊपर जाता है. इन दोनों चीजों को सेपरेट रख के देखना चाहिए कि बिजनेस क्या है और क्या ये शेयर प्राइस उस बिजनेस की वैल्यू ठीक बता रहा है कि नहीं बता रहा है. एक एग्जांपल देखते हैं. एपीएल अपोलो ट्यूब्स जो कि एक स्ट्रक्चरल ट्यूब्स कंपनी है, उसका भाव 2018 के स्टार्ट में 500 रुपए का होता था और वही भाव 2020 मार्च में 200 रुपए का था. तो करीब करीब 2-2.5 साल में इस स्टॉक में 60% का फॉल देखा था. अगर कोई इसके टिकर को देख के इस कंपनी में इन्वेस्ट करता है करता होता तो वो इस टिकर को नीचे जाते देख के एग्जिट कर जाता और ये कहता कि ये तो स्टॉक नीचे ही जा रहा है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कुछ है नहीं. लेकिन जो इसके बिजनेस पे फोकस करता वो ये देखता है कि 2014 से 2020 तक इसका स्टॉक 165 रुपए से 477 रुपए का हो गया. मतलब नियरली 3 times इसका स्टॉक इसका जो इबिटा है वो ऊपर गया इस 7 साल के पीरियड में. और ये कंपनी अपनी स्पेस में सबसे बड़ा प्लेयर था और है, आज भी है. करीब करीब 40% का इसका मार्केट शेयर था. इसकी कंपेटिटिव एडवांटेजेस इसके प्रोडक्ट से आती थी, जिनके अंदर इनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है वो इनके लिए कहीं ज्यादा कैश फ्लोज जनरेट करते थे कंपटीशन से, जिसकी वजह से ये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट प्रोग्रेसिवली कर सकते थे और बिजनेस को और ग्रो कर सकते थे. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कंपनी की काफी लिमिटेड थी, तो रूम फॉर ग्रोथ आगे चल के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए रूम काफी था. इन सब चीजों को देख के कोई भी इन्वेस्टर इस कंपनी पे फेवरेबल इस कंपनी के बिजनेस पे फेवरेबल व्यू ले सकता था, लेकिन स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा था. वो स्टॉक जो कि 500 रुपए पे 2008 में होता था और 2020 मार्च में 200 रुपए पे आ गया था, आज वो स्टॉक 1600 के ऊपर है. मार्केट में बिजनेस को समझने में देर की, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर कर दी. जैसे जैसे बिजनेस अच्छा करता गया अब मार्केट ने उस बिजनेस का को नोटिस किया और स्टॉक को रीरेट किया. एक फेमस सेइंग है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, क्योंकि मार्केट्स में भी मार्केट्स काफी देर तक इग्नोर कर सकती है स्टॉक को, लेकिन वो ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये देखे ही ना कि ये बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग. वॉरेन बफेट इसमें कहते हैं कि इफ अ बिजनेस डज वेल द स्टॉक इवेंचुअली फॉलोस. क्लियरली वो इस एग्जांपल में दिखता है और इसी तरह के कई एग्जांपल्स हैं जहां पे बिजनेस को कुछ टाइम के लिए मार्केट्स ने इग्नोर किया, लेकिन जब मार्केट्स ने उन पे उस बिजनेस पे फोकस किया तो वैल्यू अनलॉक डेफिनेटली हुई. एक हमने वीडियो इधर प्रेजेंटेशन में दिखाया है, आप ये देखिए, ये आदमी सी में बोटिंग कर रहा है और साथ में एक वेल का फिन बाहर निकल के आता है और उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो बहुत हड़बड़ाए और वेल और या फिर वो कामली वेल को निकलने दे. अब वो अगर हड़बड़ाएगा तो वेल की नजर उस पर पड़ेगी और वेल उसको खा सकती है, लेकिन अगर वो कामली वेल को निकलने देगा तो जैसा इसमें देखा हमने वो बच गया, उसने अपने आप को बचा लिया. मार्केट्स भी कुछ वेल की तरह ही है कि जितना आप हड़बड़ाएंगे मार्केट में उतना आपका नुकसान होता है. जेफ बेजोस ने, जो कि अमेज़न के हेड है, उन्होंने वॉरेन बफेट से एक बार पूछा कि आपका स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग इतना सिंपल है, सबको ये कॉपी क्यों नहीं कर लेते. बफेट ने कहा कि वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हर कोई अमीर धीरे से नहीं होना चाहता, हर कोई अमीर जल्दी होना चाहता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस हड़बड़ाहट में, इस जल्दी में जिसमें कि हर कोई रिच होना चाहता है, वो गलत कदम उठाता है मार्केट में और अपने ही डेट्रीमेंटल, खुद के लिए डेट्रीमेंटल वो कदम होते हैं जो वो उठाता है और उसका पेन उसके पोर्टफोलियो में भुगतना पड़ता है उसको.
अब एक ये डेटा पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। हमने पिछले 20-21 सालों में ये देखा कि हर साल का जो रिटर्न है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन 3% से ज्यादा वाले दिनों ने उसमें वो कंट्रीब्यूट किया है, जो कि 3% मार्केट अगर ऊपर गई है तो वो कितने दिन थे और उनका कंट्रीब्यूशन कितना था मार्केट्स में हर एक साल। और हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक चीज देखी कि इस डेटा पॉइंट से कि काफी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर वो कुछ दिन होते हैं जो कि ज्यादा रिटर्न देते हैं 3% से ज्यादा। कैलेंडर ईयर 20 में भी निफ्टी ने जून तक कुछ 1733 पॉइंट गेन किए थे और उसमें सिर्फ 1 फरवरी निफ्टी कुछ 4.7% या 647 पॉइंट्स निफ्टी ने गेन किया था। अगर इन्वेस्टर्स ने ये दिन मिस कर दिया होता तो 37% ऑफ फुल ईयर रिटर्न्स, अभी तक का जो रिटर्न है वो इन्वेस्टर्स ने मिस कर दिया, इतना सिग्निफिकेंट ये एक दिन। और सिमिलरली अगर आप जैन 2010 मतलब 11 साल में देखेंगे तो निफ्टी ने कुछ 9,618 पॉइंट गेन किए और इन इस 11 साल के पीरियड में केवल 21 दिनों में कुछ 7,091 मतलब 7,091 पॉइंट्स इन 21 दिनों में गैदर हुए हैं, जो कि 3% से ज्यादा वाले दिन थे। मतलब करीबन 73% 73% इस 9,600 पॉइंट्स का केवल इन 21 दिनों में आया है और ये 21 दिन 11 साल। ये हमें ये क्लियरली बताता है, पहली चीज हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कौन से 21 दिन होंगे, और दूसरी चीज इन 21 दिनों का बेनिफिट लेने के लिए हमें मार्केट में काम रहना पड़ेगा, बहुत एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी। जहां हम बहुत एक्टिविटी करते हैं वहां हम ये अपने को एक्सपोज करते हैं कि हम इन 21 दिनों का फायदा ना उठाएं। ऑफ कोर्स इस पीरियड में ये जरूर होगा कि मार्केट नीचे जाएगी, हमें भी नीचे जाना पड़ेगा और उसके बाद जब मार्केट उठेगी तो हम उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर हमने ये किया कि मार्केट नीचे गई और हम हड़बड़ा गए, मार्केट से निकल गए, तो इन 21 दिनों का हमें फायदा मतलब चांसेस है कि हमें इनका फायदा नहीं होगा। Staying calm in the market is a superpower. Extensive action हमारे लिए ही detrimental है। जितना हम calmly ups and downs roller coaster market का ride करेंगे उतना हमारे लिए ही favorable है। और ये long term marathon है, ये short term race नहीं है। अगर इसको marathon समझ के इसमें participate करेंगे तो हमारा हमारे लिए बहुत फायदा होगा। रिस्क रिटर्न माइंडसेट, स्टैनली ड्रकेनमिलर कहते हैं, इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग दैट्स इंपॉर्टेंट, बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने अगर ठीक कॉल लिया और पूरे साल में आपका 2% रिटर्न बना तो क्या फायदा, और अगर आपने गलत कॉल लिया और आप पूरे साल में 2% गिरे तो आपके लिए वो गलत कॉल भी आपके लिए मतलब इतना ज्यादा आपने नुकसान नहीं सहा उसमें। दैट इज व्हाट रियली मैटर्स, कि जब आप सही हैं तो आप कितना पैसा बनाते हैं और जब आप गलत हैं तो आप कितना कम पैसा लूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं स्पोर्ट का, जिसको कि हम मार्केट्स में एक्सट्रापोलेट करेंगे। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल के पहले चैंपियंस थे। अगर आप उस टूर्नामेंट को देखते हैं तो उस टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स ने सबसे कम पैसा खर्चा प्लेयर्स पे, करीब करीब $4 मिलियन उन्होंने खर्चा प्लेयर्स को बिड करने में, जहां उनके जो फ्रंटलाइन टीम्स थी उन्होंने $7 मिलियन खर्चे थे प्लेयर बिडिंग पे, फिर भी ये लोग जीते। और इनका कहना था कि वाइल अदर फ्रेंचाइजीज बॉट टीम्स टू बिल्ड अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर देयर ब्रांड्स और गुड कनेक्ट विद कंज्यूमर्स, For us, IPL was a serious business and we treated it like one. We had a clear business plan with a strong focus on our investments and potential return on that. मतलब ये बहुत क्लियरली ये इसको बिजनेस की तरह लेते थे कि हमने कितना पैसा खर्चा और उस पर हमारा कितना रिटर्न बनेगा। हमें स्टार्स नहीं चाहिए थे, वो कहते हैं हमें चाहिए थे परफॉर्मेंस।
इस मोटिव के साथ इन्होंने बिडिंग किया और ये लोग टूर्नामेंट जीत गए। और इसी तरह हम 20 साल के टाइम होराइजन में दो एग्जांपल लेते हैं, इंफोसिस वर्सेस टाटा स्टील, जो कि कैलेंडर ईयर 2000 का एग्जांपल है, और 2020 का हिंदुस्तान यूनिलीवर वर्सेस टाटा स्टील। अब इन दोनों केसेस में 20 साल का अंतर है, तो काफी कुछ मार्केट में बदल गया है, लेकिन ये दोनों केसेस ये भी बताते हैं कि जितना मार्केट बदलती है उतने ही उसके कॉन्सेप्ट सिमिलर रहते हैं। वो कैसे आगे देखते हैं, ये देखिए, कैलेंडर ईयर 2000 में जिसने टाटा स्टील और इंफोसिस में इन्वेस्ट किया था उसने इंफोसिस में 40% का नुकसान किया, वही टाटा मोटर्स में टाटा स्टील में उसने कुछ 3 times अपसाइड देखा। और ये अपसाइड इसलिए दिखा क्योंकि टाटा स्टील का कैलेंडर ईयर 2000 में प्राइस टू बुक कुछ 0.98 times था, प्राइस टू अर्निंग 7 times था, बहुत चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड करता था टाटा स्टील। और उसी समय इंफोसिस, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी वेरी वेल रन कंपनी थी, वो कुछ 100 times प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करती थी। अब आप मानेंगे यहां से अगले 7 से 8 साल इंफोसिस ने अपनी अर्निंग्स 37-38% कंपाउंड की, इतनी तेज उसने ग्रो किया, लेकिन कुछ पैसा नहीं बना क्योंकि वैल्यूएशंस मैटर्ड। जिसने सस्ते भाव पे टाटा स्टील को खरीदा 2000 में, उसने बहुत पैसा बनाया अगले 3 से 4 साल, और जिसने महंगे भाव पे बहुत गुड क्वालिटी वेरी वेल मैनेज्ड सनराइज इंडस्ट्री में होने वाली इंफोसिस को खरीदा, उसने कुछ पैसा नहीं बनाया, वैल्यूएशंस मैटर। इंफोसिस उस समय एक बहुत रिप्यूटेड वेल मैनेज्ड कंपनी थी, आज भी है, लेकिन क्योंकि वो 100 times प्राइस टू अर्निंग्स पे तब ट्रेड करती थी, 2000 में जिसने वो स्टॉक खरीदा अगले 3-4 साल में वो स्टॉक 40% नीचे था परचेज प्राइस से, और उसी पीरियड में अगर किसी ने टाटा स्टील खरीदा तो वो 3 times ऊपर था। तो आप एक सिक्लिकल बिजनेस में जो कि अंडर 1 time प्राइस टू बुक 7 times प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा था, उसमें आपने 3 times पैसा बनाया, बजाय इसके कि आप एक सेक्युलर ग्रोथ क्वालिटी बिजनेस इंफोसिस में इन्वेस्ट करते जिसमें आपका कि 40% का लॉस हुआ। वैल्यूएशंस मैटर एंड हैविंग अ रिस्क रिटर्न माइंडसेट वुड हैव, उससे हम अगर किसी का वो माइंडसेट होता तो वो टाटा स्टील में इन्वेस्ट करता बजाय इसके कि वो 100 times प्राइस टू अर्निंग्स पे, जहाँ पे हर कोई इंफोसिस में इन्वेस्टेड है, वो वापस जाके इंफोसिस में इन्वेस्ट करे। इस प्रिंसिपल से बहुत पैसा बना उस पीरियड में। 20 साल आगे चलते हैं, पिछले साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर कुछ 70 times प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता था। उससे पहले के 2 साल हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत अच्छे रहे थे, स्टॉक में बहुत अच्छा किया था, और उसी पीरियड में टाटा स्टील ने अच्छा नहीं किया था। इस वजह से टाटा स्टील कुछ 0.5 times बुक पे ट्रेड करता था और 6 times प्राइस टू अर्निंग्स पे। अब कोई इन्वेस्टर पास्ट का रिटर्न देख के अगर HUL में इन्वेस्ट करता 70 times प्राइस टू अर्निंग्स पे, तो ये डिफरेंस होता रिटर्न्स का अगले 1 साल में। टाटा स्टील ने करीब करीब 100% का रिटर्न दिया अगले 1 साल में, जबकि HUL फ्लैट रहा है। तो सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस ऑफ टाटा स्टील। वैल्यूएशंस मैटर, परसेप्शन ऑफ क्वालिटी इज नॉट अ सफिशियंट कंसिडरेशन टू मेक मनी। और इसी वजह से रिस्क रिटर्न माइंडसेट कि यहाँ पे मेरा डाउनसाइड टू अपसाइड कितना है, वो रखना हमें बजाय इसके कि हम HUL में उस समय इन्वेस्ट करें, हमें ये कहता है कि टाटा स्टील में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कि अपसाइड टू डाउनसाइड रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, इन्वेस्टर्स को इंडिपेंडेंट या कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग रखनी चाहिए। जिम रॉजर्स कहते हैं, व्हेन एवरीबॉडी इज ऑन वन साइड ऑफ द बोट यू शुड गो टू द अदर साइड। क्लियर है कि जब पानी में बोट है और हर कोई एक ही साइड पर चला जाएगा तो बोट तो सिंक करेंगे, इस वजह से अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना, दूसरी तरफ जाना बोट को थोड़ा बैलेंस करेगा। सेम चीज मार्केट में भी है, हर कोई अगर मार्केट की एक सेगमेंट में इन्वेस्टेड है तो उस सेगमेंट में ना रह के उस सेगमेंट में जाना चाहिए जहां पे कि आज इन्वेस्टर्स फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पे वैल्यू ज्यादा है।
अगेन एक स्पोर्ट्स का एग्जांपल लेते हैं, लेस्टर सिटी का, जो कि 2016 में प्रीमियर इंग्लिश प्रीमियर लीग जीत गई थी। ये ग्रेटेस्ट अंडरडॉग स्टोरी है फुटबॉल की। इस पीरियड में बेसिकली जब वो खेलने आए तो कुछ 5,000 to 1 ये उनके अगेंस्ट ऑड्स थे। मतलब अगर कोई लेस्टर सिटी में उस समय इन्वेस्ट करता या स्पेक्यूलेट करता उनके जीतने में, तो 1 रुपया जो वो लगाते उस पर उनको 5,000 रुपये मिलते अगर लेस्टर सिटी जीत जाती तो। और 1995 से सिर्फ 4 टीमें ऐसी थी जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग जीती थी। ये एक तरह से और उनके अगेंस्ट ऑड्स थे कि ये तो कभी जीते ही नहीं 20 साल में, तो इन चारों टीम्स के अलावा। इस वजह से लेस्टर के ऑड्स और भी कम हो जाते। कन्वेंशनल विजडम फुटबॉल की ये थी कि आप ज्यादा पोजेशन रखिए और पासिंग एक्यूरेसी रखिए अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतना चाहते हैं। जो सक्सेसफुल टीम्स थी उनका कुछ 58% का पोजेशन था, जबकि लेस्टर का कुछ 43% का था, और उनकी पासिंग एक्यूरेसी 80% की थी जबकि लेस्टर की 70% थी। तो इन दोनों पैरामीटर्स में लेस्टर उनसे नीचे था, और इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी अलग की। वो स्ट्रैटेजी ये थी कि इन्होंने काउंटर अटैक पे फोकस करना चालू किया और पोजेशन से हट गए। इस वजह से ये लोग डीप डिफेंस प्ले करते थे कि अगर कोई इन पे अटैक करेगा जिसके पास पोजेशन है बॉल का, जो दूसरी टीम होगी, तो ये उसको हटा सके, उसको रोक सके, और उसके बाद काउंटर अटैक करते थे। इस स्ट्रैटेजी से, जो कि काफी अलग थी विनिंग स्ट्रैटेजी से अभी तक की, इन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स टूर्नामेंट में स्कोर किए और ये इवेंचुअली टूर्नामेंट जीत गए। इस केस में इंडिपेंडेंट थिंकिंग ने या कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग ने इनको हेल्प किया। यही चीज हम मार्केट्स में भी देखते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक के केस में स्टॉक का, और हमने ये जान के एग्जांपल 2020 से पहले का लिया है, क्योंकि 2020 के बाद तो सब कंपनीज रैली की है, तो कोई भी कह सकता है कि इसमें क्या कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग है। लेकिन 2020 से पहले आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था 2017-18 में। वो इस वजह से था क्योंकि इनके एनपीएस काफी बड़े हुए थे, कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे, और जो कि मार्केट परसीव करती थी, और उनकी ग्रोथ स्लो हो गई थी क्योंकि मैनेजमेंट अपने एनपीए इश्यूज पे और अपने मैनेजमेंट इश्यूज पे ज्यादा फोकस कर रही थी, ग्रोथ पे कम कर रही थी। अब इस वजह से स्टॉक नीचे गिरा हुआ था और अपने कॉम्पिटिटर्स में मेरा ख्याल वैल्यूएशन में सबसे नीचे था। अगर कोई इन तीन इश्यूज के आगे देखता और वो ये देखता कि ये सब इश्यूज जो है रिजॉल्वेबल है, क्या इनका एनपीए साइकिल नीचे नहीं आ सकता, क्या इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो सकते, और क्या इनके पास ग्रोथ के एवेन्यूज हैं और एबिलिटी है, ये तीनों चीजें पॉजिटिव थी। और इस वजह से जो एक इन्वेस्टर मतलब इनके प्रॉब्लम्स के आगे देख के कंपनी की तरफ देखता, उसको मार्केट से अलग व्यू देखता कि मार्केट का जो व्यू है बेरिश है, लेकिन जब ये इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो जो कंपनी की वैल्यूएशन आज इतनी सस्ती है वो इतनी सस्ती नहीं रहेगी, और इस वजह से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था। इनके पास कैपिटल एडिक्वेसी भी बहुत थी, कैपिटल था जिस वजह से ये ग्रो भी कर सकते थे। इनके नंबर्स अगर देखें तो इनका जो एनपीएल थे, ग्रॉस एनपीएल, वो 2018 में पीक आउट हो गए थे और 2019 में वो नीचे आना चालू हो गए। 2020 और 21 का भी एक्सपेक्टेशन नीचे का था। सिर्फ इस वजह से ये स्टॉक जो इसका परसेप्शन मार्केट का था उससे कहीं अलग ये बिजनेस परफॉर्म कर सकता था, और वैल्यूएशन भी इसके कहीं चेंज हो सकते थे। स्टॉक 3 साल में 3 गुना हो गया और अपने बैंकिंग सेक्टर में अमंगस्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स था, और ये 2020 से पहले की बात है, जो कि अगर किसी ने कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग से इस बैंक की तरफ देखा होता तो इतना पैसा इस स्टॉक में बना 3 साल में, और स्टॉक ने भी मार्केट एक्सपेक्टेशंस में को बीट किया और अच्छे से परफॉर्म किया।
अब मैं आशीष को बोलूंगा कि वो अगले पॉइंट्स को कैरी फॉरवर्ड करें। अब मैं आपके सामने इन्वेस्टर बिहेवियर के बारे में तीन जरूरी बातें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले स्टेइंग विद इन द सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, मतलब अपनी समझ के दायरे में रहना। इन्वेस्टमेंट करते समय इस बात को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए खुद की योग्यता और क्षमता को जानना बहुत जरूरी है। आए इसे बेहतर समझें। अधिकतर लोगों को नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना का इंटरेस्ट होता है, पर जरूरी है कि हम नए बिजनेसेस को अच्छे से समझें। चलिए अमेज़न की एक उदाहरण लेते हैं। मुझे यकीन है कि हर कोई को अमेज़न में इन्वेस्ट करना पसंद होगा, लेकिन क्या इस नए धंधे को लोग अच्छे से समझते हैं? दूसरी तरफ इनरवेयर की एक कंपनी है लक्स इंडस्ट्रीज, जो कि काफी आसान सा बिजनेस है और हमें इस बिजनेस को बेहतर समझने की आशा भी है। बट क्या इन्वेस्टर्स ऐसे साधारण बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? अगर आप दोनों कंपनी की लास्ट 5 साल की स्टॉक प्राइस चार्ट देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि लक्स इंडस्ट्रीज ने पिछले 5 सालों में अच्छा पैसा बनाया है अमेज़न के मुकाबले। इसीलिए कहा गया है कि वही बिजनेस में इन्वेस्ट करें जिसमें आपको अच्छी समझ हो। चलिए अभी अपन दूसरी महत्वपूर्ण पे चर्चा करते हैं। अवॉइड लॉस एवर्शन, मतलब नुकसान से बचे। ऐसा कहना तो बहुत आसान है बट करना बहुत मुश्किल। ज्यादातर हम मार्केट में पैसे ज्यादातर हम मार्केट के गिरने के डर से पैसा खो देते हैं, ना कि मार्केट के एक्चुअल गिरने से। आए दिन हमें इन्वेस्टर पूछते हैं, क्या ये सही टाइम है मार्केट में पैसा डालने के लिए? ये बहुत जरूरी है कि हम अपना नोशनल लॉस एक्चुअल लॉस में नहीं बदलें। जब भी मार्केट में बहुत हलचल या डर का माहौल होता है, ज्यादातर इन्वेस्टर अपने शेयर्स लॉस में बेच देते हैं, जबकि इस वक्त इन्वेस्टर को संभल कर रहना चाहिए। मार्केट की हलचल के दौरान इन्वेस्टमेंट्स को पकड़ के रहना चाहिए। अगर आप पिछले कई सालों में देखें तो जब भी मार्केट में भारी गिरावट आई हो, चाहे कारण कुछ भी हो, पहले सार्स ले लो या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में याद करिए, या फिर हाल ही में आप कोविड का ही देख लीजिए, जब भी मार्केट गिरा है उसके 1-2 साल में मार्केट ने अच्छे से रिकवर किया है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना नोशनल लॉस एक्चुअल लॉस में नहीं बदलें। चलिए अभी हम आखिरी महत्वपूर्ण पहलू पे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करना चाहिए। अगर आप देखें निफ्टी का 2 साल, 5 साल और 10 साल का रिटर्न देखें, तो देखा गया है कि जो 2 साल के लिए रिटर्न इन्वेस्टमेंट करता है उसके प्रॉफिट के चांसेस 75% है और उसके नुकसान के 25%, और जो इन्वेस्टर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता है उसके प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं, 100%। इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करना चाहिए। और मार्केट में एक अच्छी कहावत भी है कि बड़ा पैसा खरीदने और बेचने में नहीं है, बल्कि मार्केट में लंबे समय के इन्वेस्टमेंट में है। और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यहां से आगे लेके जाने के लिए अंशुल को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। समरी में सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए जहां हमें कई बिहेवियरल एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए,
लेकिन ये कुछ सात ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनकी तरफ अगर हम फोकस करें तो हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। तो सात एस्पेक्ट्स ये हैं कि स्टॉक्स को बिजनेस की तरह देखें, टिकर की तरह ना देखें, अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहें, स्टेइंग हमेशा काम रहें, वो एक सुपर पावर है। अगर हम काम नहीं रहेंगे, बहुत एक्शन करेंगे मार्केट में, तो वो हमारे लिए ही डेट्रीमेंटल है। इंडिपेंडेंट या कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग रखें, जिससे कि हम मार्केट से अलग सोच सकते हैं और हमें अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलती हैं जिनसे कि हम जो कि मार्केट आज नहीं देख रहा लेकिन कल देखेगा। रिस्क रिटर्न माइंडसेट रखें, जिससे कि डाउनसाइड टू अपसाइड असेसमेंट हर स्टॉक का या हर अपॉर्चुनिटी का करें। लॉस अवर्जन को अवॉइड करें, ये ना देखें कि भाई एक टेंडेंसी माइंड में आ जाती है कि लॉस हो गया तो क्या, लॉस तो मार्केट में आए हैं तो ऊपर नीचे तो होगा, लेकिन सिर्फ इस वजह से अगर हम फ्रीज हो जाए तो हम अपसाइड भी गैदर नहीं कर पाए। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए या ट्रेडिंग पैटर्न से। ये सब माइंडसेट अगर हम रखते हैं तो मार्केट में कई हद तक हमें सक्सेस मिलेगी। और ये बिहेवियर्स फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग है। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के खतरों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।